मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये पैनल 26 इंच की है। और पहले हम लोग देख ले कि इस टिकोन में कहीं छेड़छाड़ होकर आया है कि नहीं, क्योंकि ये पैनल की प्रॉब्लम है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि पैनल की प्रॉब्लम में आपको पहले देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद पैनल बनाना होगा। पैनल बनाना बहुत ईजी है दोस्तों, बशर्ते आपकी तरीका जानना होगा, फार्मूला जानना होगा। फार्मूला जानना भी बहुत ईजी है। कोई भी ट्रेनिंग आप अटेंड करो जो कि अच्छा ट्रेनिंग हो, प्रोजेक्टर वाली ट्रेनिंग ना हो और ज़्यादा मेंबर ना हो, यानी बारात वाली ट्रेनिंग ना हो। बारात में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये हमारी टीवी दिख रहा होगा कि आपकी एक इमेज बन रही है और इमेज जो है कुछ इस तरह से है, यानी इसको बोला जाता है स्लो मोशन। और ये जो स्लो मोशन है आपको दिख रहा होगा, स्लो मोशन, ये हमारी स्लो मोशन इमेज दिखाई दे रहा होगा। और कुछ डल इमेज, मतलब पिक्चर जो है वो डल है, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है और उसके साथ साथ स्लो मोशन। तो यहाँ पर आपको साइड कर्व दिख रहा होगा। तो इस साइड कर्व में भी हम लोग क्या करते हैं, बाईपास जंपर करते हैं। साइड कर्व में जंपर कब किया जाता है दोस्तों, जबकि यहाँ पर वोल्टेज हमारी ओके रहने के बाद। ठीक इसी तरह से जो वीडियो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक ट्रेनिंग भी मैं उसी हिसाब से देता हूँ। दोस्तों, हमारी ट्रेनिंग अगर अटेंड करना है तो कोलकाता में इसी महीने 28 से लेकर 4 मार्च तक ट्रेनिंग होगी, फुल A to Z प्रैक्टिकल बोर्डिंग मशीन के साथ, स्मार्ट बोर्ड और पैनल, EMMC, इसको फोकस ज़्यादा करके ये सब ट्रेनिंग होती है, सब होती है, SMPS पावर सप्लाई से लेकर मदरबोर्ड तक। और बालाघाट MP पे सेकेंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं मार्च महीने की होली के बाद। ये 9425-8424-454 आप जाकर यहाँ सीट बुक करा सकते हैं या डिटेल्स ले सकते हैं। आपको याद रहना होगा इस डेट में बालाघाट में बोर्डिंग मशीन का भी ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग 4 दिन का होगा। बालाघाट में ट्रेनिंग 4 दिन का होगा विथ बोर्डिंग मशीन के साथ। बांग्लादेश से ट्रेनिंग मार्च मासे 11 থেকে 15 তারিখ के मध्य संभावना अच्छे हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए पहले हम वोल्टेज को मापेंगे कि वोल्टेज हमारा क्या क्या प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर वोल्टेज अगर सही है तब जाकर हमको साइड कप में जाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये प्रॉब्लम जो है साइड कप की है, लेकिन पहले हम वोल्टेज देखेंगे कि हमारे वोल्टेज प्रेजेंट है कि नहीं। पहले हम लोग वोल्टेज देख ले दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज, पहला हमारा आपको मालूम होगा AVDD, जो कि हमारा मेन वोल्टेज होती है AVDD। इसको हमको देखना होगा कि AVDD वोल्टेज कहाँ है। और AVDD वोल्टेज के बाद हमारा बनता है VGH। VGH यहाँ पर हमारी VDD ओके, यहाँ पर हमारी AVDD ओके, लगभग 14.8 वोल्ट यानी 15 वोल्ट। यहाँ पर हमारी VGL ओके, लगभग -6 वोल्ट। और यहाँ पर हमारी VGH ओके, लगभग मीटर पे दिखाइए, लगभग 30 वोल्ट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 30 वोल्ट VGL VGH और VGL माइनस वोल्ट, AVDD आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 15 वोल्ट के करीब में, फिर भी हमारा स्लो मोशन। लेकिन इस पैनल में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो ट्रैक जा रही है, ये ट्रैक अंदर अंदर ठीक यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर जो हमारा VGH है वो हमारा जीरो है, मिसिंग है। हमको क्या करना होगा, यहाँ से लेकर और जहाँ 30 वोल्ट आ रहा है करीब में, यहाँ पर मीटर में दिखाइए, हमको एक बाईपास जंपर मारना होगा। जब तक हम बाईपास जंपर नहीं मारेंगे तब तक हम यहाँ हमारी यहाँ साइड कफ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से प्रॉब्लम यहाँ होती है यहाँ, लेकिन जंपर यहाँ मारते हैं। देखो, जंपर अभी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, ये हमारा कफ जो है एकदम क्लीन है, कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं किया गया है, कोई कफ में टच नहीं किया गया। लेकिन आप अगर यहाँ टच कर रहे हैं
तो हो सकता है यहां से आप जंपर मारोगे तो यहां हो जाएगी, लेकिन हम यहां पर जंपर मारने के लिए हमारी क्या हो जाती है, रिक्स। तो हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, डायरेक्ट नहीं बढ़ना है। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग जो है हमारी कोलकाता में प्रोजेक्टर पर नहीं होती है, आपको याद रखना होगा। बालाघाट में भी प्रोजेक्टर पर नहीं होती है, मुंबई में भी प्रोजेक्टर पर नहीं होती है, बांग्लादेश में भी प्रोजेक्टर पर नहीं होती है, और हैदराबाद में भी प्रोजेक्टर पर नहीं होती है। हम एक जंपर लेंगे यानी एक वायर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जंपर मारा और इस जंपर में आपको देख रहा होगा एक वायर है और यहाँ पर 30 वोल्ट आ रहा है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर हमको बाईपास जंपर करना है। दोस्तों याद रखना, आपको ठीक स्टेप बाय स्टेप ही इसी तरह से काम करना होगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अगर बाईपास जंपर मार रहे हैं तो ये तो हो जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पर इतना कठिन काम नहीं करना होगा। अगर हमारे पास अगर इजी का रास्ता है तो हम इजी वाले रास्ते पे देख ले। यहां पर दिखाइए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये जो बाईपास जंपर हमने मारा, यहीं पर हमने जो जंपर मारा तो ये हमारा पैनल जो ओके हो गई, जो कि हमारा यहां पर मारने के लिए जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमको यहां पर मारने के लिए हमको बहुत सा टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमको डेटा शीट देखना होगा, इसके बाद हमको टेस्ट पॉइंट बनाना होगा, इसके बाद बाईपास जंपर करना होगा। और हमने जब ट्रेस किया कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ से यहीं पर है और यहीं पर बाईपास जंपर मारने से ये हमारा पैनल ओके 100% हो जा रहा है, तो हम उधर क्यों जाए। दोस्तों ठीक इसी तरह से ट्रिक हमारे ट्रेनिंग में ऑल ट्रिक पर ध्यान देकर फोकस देकर चला जाता है, कि आपको एक जगह बताया जाता है, कि वो रास्ता बताया जाता है, कि ताकि आप वो ट्रेनिंग लेकर ये फार्मूला लेकर आप आगे हर पैनल बना सके। दोस्तों फिर एक बार मैं हटा कर दिखा रहा हूँ, जो हटा दिया हमने, देखिए मैंने इसको हटा दिया और हटाने के बाद ठीक स्लो मोशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉम्पोनेंट में काम नहीं किया गया है, कोई शोल्डर नहीं यूज किया गया है। आप यहाँ पर सही से देखिए, कोई भी सोल्डर यूज नहीं किया गया है इस सोर्स पीसीबी में, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। दोस्तों हमारी अगर ट्रेनिंग लेना है तो जल्दी से इसी महीने ट्रेनिंग के लिए 28 तारीख की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, अब काफ़ी समय कम बचा है, आप चाहो तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपना पहले सीट बुक करा सकते हैं। ओके, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के लिए।